गाइस, जब मैं ये वीडियो बनाता हूँ तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता हूँ। ये मेरे चैनल की सबसे फेवरेट वीडियो होती है जिसमें मैं आपको बताता हूँ टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन नेक्स्ट मंथ जुलाई 2021 में कौन से देखने को मिलेंगे। अगर आपने मन बनाया है एक स्मार्टफोन खरीदने का, वो भी नया, तो जान लीजिए कौन सा लॉन्च हो रहा है जुलाई के महीने में। वीडियो पूरा लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छे अच्छे फोनों के बारे में पता चल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे वासुदेव चैनल पे। तो दोस्तों, पोको, जी हां फ्रेंड्स, पोको अपना एक नया स्मार्टफोन जुलाई के महीने में लेकर के आ रहा है जिसका नाम है दोस्तों पोको F3 GT। जी हां फ्रेंड्स, यहां पे आपको 6.67 इंच की PPI OLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है और कमाल का जो है दोस्तों वो होने वाला है इसका चार्जर 67 वॉट का फास्ट चार्जर होने वाला है। आपका फोन बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा और इसकी जो प्राइस है दोस्तों 20,000 रुपए के नीचे होने वाली है, मतलब 20,000 रुपए से ऊपर भी नहीं जाएगा। और प्रोसेसर भी अच्छा है, यहाँ पे आपको MediaTek Dimensity 1200 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा। अब देखते हैं जब ये लॉन्च होता है जुलाई के महीने। और दोस्तों, Realme भी अपना एक नया स्मार्टफोन जुलाई के महीने में लॉन्च करेगा जिसका नाम है दोस्तों Realme GT। और ये स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन होने वाला है और इसकी जो प्राइस होगी वो दोस्तों 30,000 रुपए के नीचे होगी। जी फ्रेंड्स, जिसमें आपको 6.43 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। जी फ्रेंड्स, मतलब फ्लेक्सिबल लेवल का Realme का ये स्मार्टफोन होने वाला है जिसका जी। वैसे दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है लॉन्च तो कर दिए गए हैं लेकिन आपको मिलेंगे जुलाई के महीने में ही देखने को। जी हां फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं Mi 11 Lite और Mi 11 Pro के बारे में, जहां पे Mi 11 Lite है वो Qualcomm Snapdragon 732G प्रोसेसर के साथ है, वही Mi 11 Pro है वो Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर के साथ है। और इनकी जो प्राइस है वो तकरीबन होने वाले 30,000 रुपए के नीचे। अब डेफिनेटली जब ये जुलाई के महीने में सेल पर आएंगे तब आपको पता चलेगा कि इनकी कंफर्म प्राइस क्या है। बहुत दिनों से लोग इसका वेट कर रहे थे, फाइनली आपको ये जुलाई के महीने में देखने को मिलेगा। जी फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं OnePlus Nord 2 के बारे में, जहां पे आपको 6.43 इंच की PPI AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर सेंसर बैक में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो स्मार्टफोन है वो डायमेंसिटी प्रोसेसर के साथ आएगा 1200 के। ओवरऑल कमाल धमाल मचाएगा ये जुलाई के महीने में OnePlus Nord 2। नोकिया अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च करेगा जुलाई के महीने में, इसका नाम है नोकिया X50। कमाल का होने वाला है इसका कैमरा। जी फ्रेंड्स, इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का बैक में रियर सेंसर देखने को मिलेगा। जी फ्रेंड्स, अब आप सोचिए 108 मेगापिक्सल कैमरा परफॉर्मेंस कितनी ज्यादा तंगड़ी होने वाली है। इसके अलावा इसमें प्रोसेसर भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G वाला चिपसेट देखने को मिलेगा। अब वैसे दोस्तों, रूमर्स के द्वारा तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है वो 30,000 रुपए के नीचे आता है। वैसे अगर ये 30,000 रुपए के नीचे आ जाता है ये मार्केट को हिला के रख देगा, मैं गारंटी से आपसे कह रहा हूं। 108 मेगापिक्सल का नोकिया का कैमरा है, बवाल मचाएगा। दोस्तों, Realme का एक और स्मार्टफोन आपको जुलाई के महीने में देखने को मिलेगा जिसका नाम होने वाला है Realme Narzo 30। और ये स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन होने वाला, इसकी जो प्राइस है वो 15,000 रुपए होने वाली है। 15,000 रुपए से ऊपर नहीं जाएगा प्रोबेबली। और इसमें आपको MediaTek Dimensity 700 का चिपसेट देखने को मिलेगा, इसके अलावा 6.55 इंच की इसकी डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। अब जब ये आएगा Realme Narzo 30 जो कि 5G है, तब देखेंगे कितना ज्यादा धमाल मचाएगा जुलाई के महीने में। वैसे दोस्तों, क्या आप कोई Realme का स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, नया स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं Realme का, कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। वैसे दोस्तों, कैसी लग रही है आपको ये टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन की वीडियो? वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आप इन सब स्मार्टफोन में से सबसे ज्यादा एक्साइटेड किस स्मार्टफोन के लिए, कमेंट जरूर से कीजिएगा याद से। ओप्पो के आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, ओप्पो रेनो 6 और ओप्पो रेनो 6 प्रो, जहां पे ओप्पो रेनो 6 जो होने वाला है वो MediaTek Dimensity 1100 चिपसेट के साथ होने वाला है, वही ओप्पो रेनो 6 प्रो जो होने वाला है वो MediaTek Dimensity 1200 चिपसेट के साथ होने वाला है। बाकी 64 मेगापिक्सल का बैक में सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा। अब इनकी जो प्राइस है, ओप्पो की जो प्राइस होती है आपको पता है वो 30,000 रुपए से तो कम होती नहीं है, उससे ऊपर ही रहती है। अब देखते हैं कि इनकी प्राइस कितनी होती है, अब भी कुछ नहीं कहा जा सकता है, जब ये लॉन्च जुलाई के महीने में होंगे तब पता चलेगा इनकी प्राइस क्या है। मोटोरोला का मोटो
G100 ये स्मार्टफोन भी आपको जुलाई के महीने में देखने को मिलेगा, जहां पे आपको फ्रंट में डुअल सेल्फी देखने को मिलेगी 16+8 मेगापिक्सल की। इसके अलावा बैक में आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा। प्रोसेसर भी काफी ज्यादा तंगड़ा होने वाला है इस स्मार्टफोन का, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 जीएफएक्स 870 वाला। अब इसकी जो प्राइस है वो प्रोबेबली दोस्तों 25,000 रुपए से कम तो नहीं होने वाली है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 870 का है। अगर उससे कम होती है तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन भी काफी ज्यादा धमाका मचाने वाला है जुलाई के महीने में। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि वीवो का V20 और वीवो का V21 ये जब स्मार्टफोन आए थे तो इन्होंने मार्केट को हिला के रख दिया था। अब वीवो का एक और स्मार्टफोन आपको जुलाई के महीने में देखने को मिलेगा, इसका नाम होने वाला है दोस्तों वीवो V21e। डियर फ्रेंड्स, जहां पे आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा बैक में देखने को मिलेगा, फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी। अब ऐसा बताया जा रहा है इसकी जो प्राइस है वो 25,000 रुपए के नीचे होने वाली है। वैसे दोस्तों आपको पता है 25,000 रुपए के नीचे आएगा, लेकिन कैमरे लेवल के स्मार्टफोन होते हैं, मतलब डिजाइन काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और इस बार ये जो स्मार्टफोन होने वाले हैं वो मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 चिपसेट के साथ आएगा। अब कंप्लीट ये तो जब स्मार्टफोन लॉन्च होगा तब पूरी स्पेसिफिकेशन इसकी सामने आएगी, तब पता चलेगा क्या ये वीवो V20 और वीवो V21 जैसा ही धमाका मचाएगा या नहीं मचाएगा मार्केट में। सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी A52 फाइनली आपको जुलाई के महीने में देखने को मिल रहा है। बहुत दिनों से लोग इसका वेट कर रहे हो, काफी ज्यादा अच्छा भी स्मार्टफोन है। सुपर एमुलेट डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। सैमसंग गैलेक्सी A52 कितने दिनों से लोग इस स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा धमाका करने वाला है ये स्मार्टफोन। इसमें आपको 6.5 इंच की सुपर एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इस बार जो इसमें बिग चेंजिंग किया गया है वो प्रोसेसर को लेकर के, इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G का चिपसेट देखने को मिलेगा। अभी तक सैमसंग जो है वो एक्सिनोस के प्रोसेसर के साथ आता है, आपको पता है एक्सिनोस का प्रोसेसर वो हीट करता है। डियर फ्रेंड्स, अब उन्होंने इस चीज को समझाया है तो उन्होंने स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर डाला है। इसके अलावा दूसरा भी चेंजिंग आपको इसमें देखने को मिलेगा, जो सैमसंग की डिजाइन आ रही है वो तो सिमिलर आ रही थी, पता नहीं चलता था ये कौन सा मॉडल है। इस बार उन्होंने बैक के कैमरे की डिजाइन भी बिल्कुल चेंज कर दी है और दिखने में काफी ज्यादा प्रीमियम फील देता है ये स्मार्टफोन। अब दोस्तों मेरा एक गुजारिश है सैमसंग से कि अगर सैमसंग अपनी प्राइस ठीक करता है तो ये सच है मार्केट में सैमसंग के स्मार्टफोन सबसे ज्यादा बिके, लेकिन वो प्राइस थोड़ा सा ज्यादा रख देते हैं इसीलिए लोग दूसरी कंपनी की साइड चले जाते हैं। वैसे दोस्तों क्या आपको सैमसंग के फोन अच्छे लगते हैं, अगर उसकी प्राइस थोड़ी सी कम हो जाए करे तो ये जरूर से कमेंट करके बता देना दोस्तों, क्योंकि ये पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। कमेंट करके जो उसे बता। दोस्तों ये थे वो स्मार्टफोन जो आपको जुलाई 2021 में देखने को मिलेंगे। वैसे मैंने इतने स्मार्टफोन बताए, आप किसके लिए सबसे ज्यादा वेट करना चाहेंगे कमेंट करके जो उसे बता देना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना इस वीडियो को, ताकि जो लोग मोबाइल खरीदने वाले हों तो वो रुक जाए, उनको पता चल सके कि नया स्मार्टफोन आ गया तो वो नया वाला स्मार्टफोन ले लें। इसलिए शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को, अगेन कह रहा हूं, करोगे ना आई नो कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन कब, जब आपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आई होप आप समझदार हैं, क्वालिटी वीडियो देखना चाहेंगे फ्यूचर में, डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।